हेलो बच्चों, कैसे हो? होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वित्तलम एकेडमी, विच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ भावेश पटेल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 3, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर्स, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ SOF इंटरनेशनल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्विकली, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, शार्पनेस एंड स्मार्टनेस, परफॉर्म बेटर इन ओलंपियाड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट सॉल्व वन बाई वन द फर्स्ट सेक्शंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक शुगर बैग है, एक पम्पकिन है और एक स्कूल बैग है जिसको वेइंग मशीन पे रखा है। तो वेइंग मशीन इज शोइंग सम नंबर इन केजी। दैट नंबर इज नथिंग बट दैट इज द वेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम। तो अगर शुगर बैग का मैं देखूँ तो ये 6 है और यहाँ पे 9 है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। दैट मीन्स दिस इज 8 kg। पम्पकिन तो 6 एंड देन 7, तो 7 kg। स्कूल बैग यहाँ पे है, दैट इज 9 kg। अभी क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज शुगर बैग हैवियर देन पम्पकिन? क्या बोल रहा है कि शुगर बैग पम्पकिन से कितना हैवी है? तो शुगर बैग 8 kg है और पम्पकिन 7 kg, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस लेंगे। 8 minus 7 kg, दैट इज इक्वल्स टू 1 kg। सो शुगर बैग इज 1 kg हैवियर देन पम्पकिन, दैट्स द आंसर। सो आंसर सी। नेक्स्ट, अ बकेट कैन बी फिल्ड बाय 3 मेजरिंग सिलेंडर्स एज शोन इन द फिगर। एक बकेट है जो ये अलग अलग सिलेंडर्स, जिसमें पहला सिलेंडर 1 लीटर, दूसरे में 3 लीटर्स और तीसरे में 10 लीटर्स पानी आता है। तो हाउ मच वाटर कैन बकेट होल्ड? तो अगर ये सबको मैंने इसमें डाल दिया तो बकेट में कितना पानी आएगा? तो क्या करना पड़ेगा, ये सबके बीच में एडिशन। सो 1 + 3 = 4 + 10, दैट इज 14। सो बकेट कैन होल्ड 14 लीटर्स ऑफ वाटर। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट? टॉलेस्ट मतलब जो लंबाई में, हाइट में, जिसका हाइट सेम होगा। कौन कौन है? अनुज, पिंकी, सुमित, श्रेया, श्रेया एंड अंजलि। तो चलो, हमने ये सब लोग प्लेयर जमीन पे खड़े हैं, तो ये अनुज से तो ये पिंकी की हाइट ज़्यादा है। सो अनुज इज नॉट द टॉलेस्ट वन। देन पिंकी की अगर मैं बात करूँ तो सुमित से पिंकी की हाइट ज्यादा है, तो सुमित इज नॉट द टॉलेस्ट वन। देन उसके बाद श्रेया, श्रेया के साथ कंपेयर करेंगे तो श्रेया इज टॉलर देन पिंकी, तो पिंकी इज नॉट द आंसर। देन उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ विथ अंजलि के साथ, तो अंजलि तो उससे छोटी है, देयरफॉर सबसे टॉलेस्ट कौन है? श्रेया। सो आंसर इज सी, श्रेया इज द टॉलेस्ट वन। नेक्स्ट, विच सिलेंडर कंटेन्स लेस देन 500 ml ऑफ वाटर? यहाँ पे 3 सिलेंडर है, पी, क्यू एंड आर। इनमें से कौन सा सिलेंडर में 500 ml से पानी कम है? तो चलिए देखते हैं। पहले वाले में देखो, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ये क्या है, 400, दैट मीन्स इसमें 400, देखो ये यूनिट क्या है सबका, ml,
है ना, तो इसमें क्या है 400 ml पानी, इसमें कितना है तो यहाँ पे है दैट मीन्स 600 ml, यहाँ पे था 400 ml और आर में यहाँ पे है सो 200 ml। अभी क्वेश्चन क्या है, कौन सा सिलेंडर कंटेन्स लेस देन 500 ml, तो लेस देन 500 ml मतलब ये क्यू तो नहीं आएगा, पी आएगा और आर भी आएगा, सो पी भी आएगा आर भी आएगा, बोथ पी एंड आर, तो देयरफॉर आंसर इज डी, है ना। सिलेंडर पी कंटेन्स 400 ml वाटर और सिलेंडर आर कंटेन्स 200 ml ऑफ वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर लेसर देन 500 ml, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, स्टडी द फिगर केयरफुली, देन व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ टू सच स्विंग मशीन, थ्री कुकीज बॉक्स एंड टू स्कूल बैग्स। देखो यहाँ पे पिक्चर में अलग अलग वेइंग स्केल पे अलग अलग आइटम रखा है, जैसे ये स्विंग स्विंग मशीन हो गया, देन ये क्या है स्कूल बैग्स और ये क्या है कुकिंग बॉक्स कुकीज बॉक्स, है ना। तो इसका वेट कितना है 3 kg, ये हैंड जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं और जो यूनिट है वो केजी है, इसका कितना है तो 5 kg, इसका कितना है तो 2 kg, ये किसका है एक एक मशीन का है, बट हमें कितना फाइंड आउट करना है टू सच स्विंग मशीन, तो 2 kg + 2 kg, तो दो स्विंग मशीन का वेट हो जाएगा 4 kg, फिर थ्री कुकिंग कुकीज बॉक्स, तो यहाँ पे 3 kg है तो +3 kg + 3 kg 3 का, तो ये हो जाएगा 9 kg, और टू स्कूल बैग्स काफी हैवी है 5 kg + 5 kg, तो ये हो जाएगा 10 kg, और ये सभी का हमें टोटल वेट निकालना है, तो सब में क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 4 kg + 10 kg 14 kg हो जाएगा, और 9 kg उसमें ऐड करेंगे तो 14 + 9 दैट इज 23 kg, सो आंसर हमारा कौन सा आएगा बी। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 liters। यहाँ पे एक मेजरिंग कैप है, बाल्टी है या फिर कुछ कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और वो पानी कितना है तो लीटर्स में है और वो फिगर 4 है, दैट मीन्स इसमें जो ये पानी भरा हुआ है वो 4 लीटर्स है करेक्ट, और हमें कितना करना है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी टू 6 लीटर्स, यानी यहाँ तक भरना है तो इतना पानी हमें भरना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा फिर 6 लीटर्स, तो ये पानी कितना है तो ये 6 लीटर्स, और हमें ये फाइंड आउट करना है कितना ऐड करने से होगा, दैट मीन्स 6 - 4 liters पानी हम ऐड करेंगे, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 liters पानी हम ऐड करेंगे, देयरफॉर आंसर इज ए। नेक्स्ट, अनीता ड्रिंक्स 5 liters ऑफ वाटर एवरी डे, अनीता एवरी डे 5 liters पानी पीती है, इफ सी ड्रिंक्स सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ईच डे, हर दिन अगर वो उतना ही पानी पीती है देन हाउ मच वाटर डज सी ड्रिंक्स इन 10 days, करेक्ट, तो कितने दिन में 10 दिन में कितना पानी पिएगी, तो ये पहले दिन हो गया, ये दूसरा दिन, सभी के बीच में एडिशन करेंगे, ये थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ देन सिक्स देन सेवन्थ देन 8 देन 9 देन 10, करेक्ट, इतना लीटर्स पानी वो 10 दिन में पी जाएगी। चलिए ऐड करते हैं 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 22,
20 plus 5, 25 plus 5, 30 plus 5, 35 plus 5, 40 plus 5, 45 plus 5, 50. They are 50 liters. So answer hamara kya aega? 50 liters. Isko ya to aap aise bhi kar sakte. Har din 5 liters. और ऐसे 10 दिन पीना है तो यहाँ पे हमने एडिशन किया 5 5 5 ऐसे 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 10 के साथ दैट इज आल्सो 50 लीटर्स करेक्ट चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन है तो वो ऑर्डर हमें बनाना है फोक है पेंसिल है पेंट ब्रश है स्पून है और ये कुछ आपको मेजरिंग कुछ स्केल दे दिया है रूलर नहीं है बट कुछ लेट्स से पिन है या समथिंग है ना बट ऑल आर सेम नंबर्स चले उसको मैं बोल देता हूँ इसको मैं क्या बोलूँगा पिन बोलता हूँ चले पिन तो ये स्पून यहाँ से यहाँ तक कितनी ये है तो 1 2 3 4 यानी 4 पिन्स है फिर ये पेंट ब्रश यहां से यहां तक तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 तो ये 6 पिन्स है फिर ये पेंट ब्रश यहां से ये पेंसिल है तो ये यहां से यहां तक कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पिन्स करेक्ट देन ये फोक भी यहां से यहां तक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 ये 5 पिन्स है तो हमें कैसे ऑर्डर में रखना है शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा तो सबसे छोटा कौन है 4 पिन्स यानी स्पून्स चलिए स्पून्स हो गया फिर उसके बाद 5 पिन्स तो फोक 5 पिन के बाद 6 पिन तो पेंट ब्रश एंड लास्ट में 5 पिन के 6 पिन्स के बाद 7 पिन्स दैट इज पेंसिल व्हिच इज द लॉन्गेस्ट तो स्पून्स फोक पेंट ब्रश एंड पेंसिल लेट अस सी ये तो पहला पेंसिल है तो आउट ये भी आउट पेंसिल है तो चलो स्पून देन फॉक पेंट ब्रश पेंसिल तो हमारा आंसर हो गया सी देखो यहाँ पे क्या है स्पून ठीक है फॉक ठीक है बट पेंसिल लिख दिया पेंसिल तो सबसे लंबा है सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द आंसर आंसर इज सी डी इज नॉट द आंसर Next, what is the height of tree in meter shown here? यहाँ पे एक tree है जिसमें बनाना है और height ये 0 meter में है ये 7 meter, 14 meter, 21 meter, 28 meter और tree की अगर मैं height पकड़ता हूँ यहाँ से horizontal line ऐसे मैं draw करूँगा तो यहाँ पे है तो ये हो गया 28 फिर 29 20 30 31 32 34 ये 28 यहाँ पे है तो ये हो गया 34 ये 33 है ना तो ये हो गया 34 मीटर काफी लंबा हाइट है चलो कोई बात नहीं 34 मीटर करेक्ट दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री बट यहाँ पे ऐसा 34 तो दिया नहीं है ऑप्शन में क्या दिया है 108 - 73 तो हमें पहले वो करना पड़ेगा तो 108 में से अगर मैं 73 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा सो 8 - 3 - 5 हमें तो चाहिए 4 तो ये नहीं हो सकता करेक्ट फिर भी इनको गिन लेते हैं तो 0 इज वीकर देन 7 इट विल बोरो फ्रॉम 1 1 बिकम 0 0 बिकम्स 10 10 माइनस 7 इज 3 ये तो 35 मीटर है सो दैट इज द रॉन्ग आंसर चलिए दूसरा करते हैं 64 - 32 4 - 2 - 2 ये तो 4 चाहिए हमें तो 34 जबकि ये तो 32 होगा करेक्ट ये हो गया 32 मीटर तो ये भी आंसर नहीं है करेक्ट तो चलिए
तीसरा सी करते हैं, तो सी में 88 माइनस 22, 8 माइनस 2 इज 6, 8 माइनस 2 इज 6, 66 मीटर, ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर डी है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 99 माइनस 65, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 6 इज 3, सो इक्वल्स टू 34 मीटर, वही है हमारा फिगर में हाइट। Therefore, the answer is D. चलिए, let's go for next. What is the weight of an apple? तो ये weighing machine है, weighing scale है, not machine, जहां पे दो apple है, जिसका weight कितना है? तो 500 gram, then 200 gram and 100 gram. So, two apples equals to 500 प्लस 200 प्लस 100 ग्राम, टोटल कितना हो गया? 500 प्लस 200 600, 700 प्लस 100 दैट मींस 800 ग्राम्स, करेक्ट। ऐसा दो एप्पल का है, दैट इज द वेट ऑफ टू एप्पल्स। तो वेट ऑफ, हमें तो एक एप्पल का पता करना है, तो वेट ऑफ वन एप्पल इक्वल्स टू क्या करेंगे, 800 है दो एप्पल का, तो एक का कितना हो जाएगा 400, क्योंकि 800 कैन बी रिटन एज 400 प्लस 400, सो एक का हो जाएगा 400 ग्राम्स, देयरफॉर द आंसर इज सी। चलिए, सो दैट वाज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 टू 20, चैप्टर नंबर 3, लेंथ वेट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। वंस अगेन माई सेल्फ भावेश पटेल फ्रॉम विथलम अकेडमी। फॉर एनी क्यूरी डाउट सजेशंस यू कैन रीच अस वाया मेल, आवर मेल आई डी इज विथलम अकेडमी एट द रेट gmail.com, दैट इज vithalmacademy@gmail.com। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।